देश का सबसे लंबा सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक तेजी से आकार ले रहा है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले बहुउद्देश्य MTHL का लगभग 85% काम पूरा हो गया है। शिवडी नहावा शेवा हार्बर लिंक के रूप में भी ये जाना जाता है। MTHL 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ब्रिज जापान सरकार के सहयोग से बन रहा है। MMRDA के माध्यम से ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक लिफ्टिंग का काम MTHL ब्रिज पर चल रहा है। पिछले दिनों 95 मीटर लंबे ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका वजन 920 मीट्रिक टन था। कश्मीर SVR श्रीनिवास के अनुसार 64 OSD में से 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। देश में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा OSD एक सुपर स्ट्रक्चर है जो पुल की भार वाहन क्षमता में सुधार करेगा। उन्होंने कहा कि MTHL पर काम योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का काम 15.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर होगा। चिरले की तरफ पैकेज 2 के तहत जमीन पर 2.7 किलोमीटर का स्पैन पूरा हो गया है। यहां कुल 49 स्पैन लगाए गए हैं। इसके अलावा पैकेज 1 और पैकेज 3 का काम भी लगभग 85% पूरा हो चुका है। मुंबई से नवी मुंबई जाने में इस समय लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। MTHL के शुरू होने पर 120 मिनट से केवल 20 मिनट में दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस परियोजना के वर्ष 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। इससे उलवे उरन से लेकर वाशी पनवेल तक आवागमन में तेजी आएगी। इसके अलावा 6 किलोमीटर लिंक वे बनाकर इसे पुणे एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।